Good morning, children. I am going to teach a mathematics class one. First of all, we should know about the collection. What is the meaning of the collection? Collection का शाब्दिक अर्थ होता है संग्रह करना. संग्रह का मतलब इकट्ठा करना किसी खास चीजों को. जैसे दिखती जो कलेक्शन ऑफ बॉल्स यहाँ क्या है, तो गेंद का संग्रह मतलब इकट्ठा हुआ है. दिखती जो कलेक्शन ऑफ बॉल्स, दिखती जो कलेक्शन ऑफ स्टार्स, ये जो है तारों का संग्रह है. दिखती जो कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स, ये फलों का संग्रह है. दिखती जो कलेक्शन ऑफ फ्लावर, ये फूलों का संग्रह है. दिखती जो कलेक्शन ऑफ बर्ड्स, यहाँ चिड़ियों का संग्रह है. तो ये सारे चीज क्या है, सभी कुछ खास खास वस्तुओं का संग्रह बनाया गया है. खास खास वस्तु यहाँ पर संग्रह किए गए. तो दीज आर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग समथिंग कॉमन एज विद एज ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर बॉल्स फ्रूट्स इटीसी. दिस पेज शुड बी कंटेंट विद द एक्टिविटी ऑफ सॉर्टिंग एंड मेकिंग कलेक्शन फ्रॉम सिंपल ऑब्जेक्ट अवेलेबल इन क्लास और सराउंडिंग. हम अपने आस पास बहुत सारी चीजों का संग्रह को देखने को मिलता है. जैसे किसी खास जानवरों का संग्रह, कोई खास इस किताबों का संग्रह, और कोई खास फल का संग्रह, किसी खास चिड़ियों का संग्रह होना. यानी सब क्या है इकट्ठा, इसे बताया गया इसके अंदर. उसी तरह हम लोग जितने भी जो हमने आसपास जो सामान देखते हैं, जैसे कुर्सियों का संग्रह, बहुत सारे कुर्सी आसपास में देखने को मिलता है उसको, जैसे फूलों का संग्रह, किसी खास पौधों का संग्रह, ये सब क्या है, कलेक्शन है. ये कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. जैसे दीदी जी कलेक्शन ऑफ बॉल्स, ये गेंद का संग्रह है. दीदी जी कलेक्शन ऑफ स्टार्स, यहाँ तारों का संग्रह है. दीदी जी कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स, यहाँ फलों का संग्रह है. दीदी जी कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, यहाँ फूलों का संग्रह है. दीदी जी कलेक्शन ऑफ बॉल्स, यहाँ चिड़ियों का संग्रह है. नेक्स्ट पेज में मुझे जगह रखना है शॉर्टिंग. शॉर्टिंग का मतलब होता है छांटना, किसी खास को अलग करना. पिक द थिंग्स विच वी सी इन द ड्राइंग रूम, उन वस्तुओं को पिक करना है जो हम अपने ड्राइंग रूम में देखते हैं. जैसा ये ड्राइंग रूम क्या क्या देखते हैं, यहाँ पर ड्राइंग रूम, सपोज ये पिक्चर दिया हुआ, ये ड्राइंग रूम है, इसमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, और ड्राइंग रूम क्या क्या होना चाहिए. इस ड्राइंग रूम क्या होता है, ये टेलीविजन है, टेबल है, चेयर है, सोफा है. खास तौर पर इन्हीं चीजों को ड्राइंग रूम में देखने का अवसर मिलता है. सेकंड क्वेश्चन है टिक द थिंग्स विच आर डेंजरस टू प्ले विथ, वैसी वस्तुओं को टिक करना है जो जिसे हम लोग ये सब क्या है जो खतरनाक है. हाथ से बच्चे लोग खेलते हैं कभी कभी, ये नाइफ है, ये सीजर है, और ये सब चीज हम लोग क्या करते हैं, ये सब खासकर ये खतरनाक वस्तुएं, इन चीजों से मुझे नहीं खेलना चाहिए. टिक द थिंग्स विच वी ईट, उन वस्तुओं को टिक करना है जो हम लोग खाते हैं. क्या क्या खाते हैं, तो आइसक्रीम खाते हैं, कैरेट खाते हैं, और वाटरमेलन, ये सब चीज खाने की वस्तु है. तो जो चीज मैं खाता हूं उस पर क्या करेंगे, उस पर मुझे टिक लगाना है, ये सब चीज को टिक लगाना है. ये क्या है, खतरनाक जो वस्तु है, जैसे ये नाइफ हो गया, सीजर हो गया, नेल हो गया, लाइटर हो गया, ये सभी चीज, ये सब खतरनाक वस्तु है, इसके साथ मुझे कभी नहीं खेलना चाहिए. और वो वस्तुएं जो हम लोग ड्राइंग रूम में देखते हैं, तो ड्राइंग रूम क्या देखते हैं, टेलीविजन, टेबल, चेयर, सोफा, ये सारी चीजें मुझे ड्राइंग रूम में देखने को मिलता है.